नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और एक खुशखबरी मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, यानी कि एनटीए ने हमारी इस रिक्वेस्ट को तो मान लिया है बच्चों। यानी कि एनटीए ने आपकी जो मेहनत आपने की थी, जो मैंने आपको बोला था कि करेक्शन के लिए आप लोग जो है जेई मेन NTA@NTA.ac.in पर जाइए और जल्दी से जल्दी मेल करिए। और इन्होंने साफ लिखा है कि न्यूमरस मेल के आने की वजह से, यानी कि जो इन्होंने पहले बहुत ब्लू में लिखा हुआ था कि करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो वो बात हमारी मान ली गई है। करेक्शन विंडो हमारी ओपन हो चुकी है ना। और करेक्शन विंडो, सबसे पहले तो खुशखबरी और आपके लिए मुबारकबाद। और मुबारकबाद इसलिए कि बच्चों के एनटीए हमारी सुन रही है, इसका मतलब जायज बातों को सुना जा रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा लो, यानी कि आगे भी हमारी बातें सुनी जाएगी। चलिए, इस बात को हम बाद में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। अभी तो हम बताने वाले हैं कि जो करेक्शन विंडो है वो 6 अप्रैल यानी कि आज, और 7 अप्रैल यानी कि कल, और 8 अप्रैल और उसके भी 9 बजे शाम तक ये करेक्शन विंडो खुली रहेगी। लेकिन बच्चों, इसमें जो बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, उन्हें मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ। हालाँकि मैं जो है लाइव क्लास में जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो के थ्रू इस बात को ज़्यादा आसान तरीके से बताया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान से सुन लें कि 6, 7 और 8 अप्रैल को 9 बजे तक शाम को ये करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अब क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या आप करेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि सभी बच्चों को दो कैटेगरी में बच्चों डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला कैटेगरी है जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पर आधार कार्ड को वेरीफाई करा दिया था, वहां पर चॉइस थी, तो वो बच्चे ये कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं कराया था वो बच्चे ये कर सकते हैं। इनको मैं डिटेल में आपको बता सकता हूं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दोनों कैटेगरी के बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये टोटल डिटेल में वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। चलिए, सबसे पहली बात जो है, मोबाइल नंबर आप कोई भी चेंज अब नहीं कर सकते, ईमेल एड्रेस आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप आधार वेरीफाइड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या आप नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट हैं। दूसरी चीज है, जो आपका परमानेंट एड्रेस था वो आप चेंज नहीं कर सकते, और जो आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस था वो भी चेंज आप नहीं कर सकते। हालांकि मैं बता दूं कि अब की बारी इन्होंने नंबर भी दिया अपना, और नंबर है 0114075900। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, और मेल तो आपको पता ही होगा, jeemain@nta.ac.in। चलिए, अब मेन बात पर आ जाते हैं कि ज्यादातर बच्चों ने आधार को वेरीफाइड करा लिया था, तो वो क्या चेंज कर सकते हैं। बच्चे ध्यान से समझें, इसका मतलब है कि वो बच्चे अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, और वो बच्चे डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, और ये बच्चे जेंडर चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं ये ध्यान रखें, या तो आप फादर का नाम चेंज कर सकते हैं या तो आप मदर का नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि एनी वन ऑफ देम। सोच लेना भाई अच्छे तरीके से, अगर आपने फादर के नाम में करेक्शन कर दिया तो मदर के नाम में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो बात है, दूसरी बात है कि अगर आपने कैटेगरी जो भी सेलेक्ट कर ली है, या तो आप उस कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं या फिर आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है उसे आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। यानी कि जो सर्टिफिकेट का चक्कर था कि 1/1/2022 के बाद का या उस दिन का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में से एक काम कर सकते हैं। बहुत क्लियरली समझ लें, क्योंकि यहीं पर थोड़ी दिक्कत है, इसमें तो दिक्कत बच्चों को नहीं है। अगर आपने कैटेगरी चेंज कर ली तो बच्चों इसका मौका आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना, एक बात पहले से सोच लेना। और अगर आपने ये कर दिया तो फिर आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो बात है सब कैटेगरी की, बच्चों सब कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी आता है, आप समझ रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक ही बात है कि या तो आप कैटेगरी चेंज कर लो या तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, दोबारा से री अपलोड कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों का बहुत ख्याल रखना है, और यही दो बातें थी जहां पर बच्चे
बच्चे परेशान थे। अगला है बच्चे सिटी और मीडियम आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपना शहर अपनी लोकेशन जो है बदल सकते हैं, और क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन का ईयर भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं अगर आपने गलत कर दिया है तो, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। कि लास्ट जो बात है इस कैटेगरी के लिए यानी कि आधार वेरीफाइड स्टूडेंट के लिए, वो है कि आप अपना कोर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं या फिर कोर्स ऐड कर सकते हैं, एक चॉइस है बच्चे। ध्यान रखना है, कोर्स ऐड का एग्जांपल मैं बता देता हूं कि अगर आपने बीटेक लिया है और बीआर्क पहले नहीं लिया था तो आप बीआर्क भी ले सकते हैं लेकिन फिर आप कोर्स चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर आप बीटेक को बीआर्क या बीआर्क को बीटेक करना चाहते हैं वो गलती हो गई है तो उन दोनों में से एक चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है बहुत क्लियर ये चीज़ें होंगी। चलिए अगले की तरफ चलते हैं हम। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है जिनके जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में आधार को वेरीफाइड नहीं कराया था, तो वो अच्छा रहे क्योंकि उनके लिए फैसिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। वो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, वो जेंडर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। वही ये सेम चीज़ है, यानी कि जो ये था वो ये है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ गया है कि वो अपना नाम भी बदल सकते हैं, अपने फादर का नाम भी बदल सकते हैं और मदर का नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है तीनों में से केवल और केवल एक चेंज कर सकते हैं। अगली जो बात है वो सेम है कि अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो रीअपलोड नहीं कर पाएंगे, और सॉरी अगर आप सर्टिफिकेट रीअपलोड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर आप कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। सेम चीज जो है सब कैटेगरी के लिए है और सिटी के लिए भी बच्चों सेम चीज है, यानी कि सिटी के लिए ये दोनों तरीके के कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं और कोर्स भी आप करेक्ट भी कर सकते हैं और कोर्स को आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल एक चीज कर सकते हैं। एक बात और जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं कहीं पर आपसे एडिशनल फी चार्ज की जाएगी, जो पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं आप, या नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। और यानी कि एक चीज, अब यहां पर मैं आपको एक थोड़ी सी खुशखबरी बताता हूं जो अगली वीडियो में बनाने वाला हूं, इसके साथ में ये क्लियर होगा आपके लिए कि बच्चों इस बारी इस पब्लिक नोटिस में सेशन वन की जो डेट्स थी वो गायब हैं, जबकि जो सेशन वन के लिए यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए डेट बढ़ी थी उसमें डेट्स दी हुई थी, अब की बारी डेट्स मेंशन नहीं हुई है, यानी कि ये कुछ अच्छा संकेत मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन एक बड़ी बात, मुश्किल बात ये हो सकती है बच्चों के, अगर पहला अटेम्प्ट पहले अटेम्प्ट पर ही हुआ तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो लेट हो सकता है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, अभी आप इस चीज का फायदा उठाएं यानी कि जिनको जरूरत हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।